हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग एरर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी कॉमन है। एसएससी एमटीएस के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को हम देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये कुछ क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। टेस्ट सीरीज़ का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम में। यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, यदि आपके पास अच्छी टेस्ट सीरीज़ है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसमें क्वेश्चन है, तो आपको डेफिनेटली उसको लेना चाहिए। ये एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ हमने क्रिएट की है, टेस्ट डॉट इंग्लिश एडवांटेज डॉट इन, यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखा है, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे टेस्ट हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट हैं 65, सेक्शनल टेस्ट हैं 22, और फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें CHSL के और MTS के 20। तो इस तरीके से ये 107 टेस्ट आपको केवल 399 रुपये में अवेलेबल हैं। एक साल के लिए इनको आप ले सकते हैं। और ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएँ, उसके बाद साइन अप करें, फिर लॉग इन करें, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करें, और पेमेंट करते ही ये टेस्ट सीरीज़ आपकी एक साल के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। बाइलिंगुअल इसमें क्वेश्चन हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें आंसर्स भी सारे दिए हुए हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से आप इस टेस्ट सीरीज से एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर लें और इसके थ्रू आप फ़ायदा उठाएं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, इसमें इस वीडियो क्लास में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के दिमाग में। तो यहाँ पर वो कन्फ्यूज़न मैं आपको क्लियर करूँगा और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि आपने सीख लिया तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, उसको आप कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट सीखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप स्पॉटिंग एरर के अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के और फिलर्स के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर अवेलेबल हेयर। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है कि दैट और विच, ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली जो वर्ब होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर जो वर्ब दी है वो नॉबिल्स दी है, नॉबिल्स प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही होनी चाहिए। लेकिन प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ओनली वन, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉबिल्स दैट इज अवेलेबल हेयर। मतलब उसकी नॉबिल्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये एकमात्र बुक है जो कि यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो सारी बुक्स यहां पर अवेलेबल नहीं है, केवल एकमात्र बुक यहां पर अवेलेबल है। और हिंदी में भी देखिए, मैं है बोल रहा हूं, एकमात्र बुक अवेलेबल है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एकमात्र बुक अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो वर्ड है आर, इसके स्थान पर यहां पर आपको प्रयोग करना होगा इज, और इसका आंसर होगा थ्री। काफी कंफ्यूजिंग सेंटेंस है और काफी अच्छा ये सेंटेंस है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, दिस इज वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड। अब इसमें हैव बीन आएगा या हैज़ बीन आएगा, इसमें भी देखिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। इसमें दैट लगा है, और दैट के पहले क्या है, दैट के पहले प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब आती है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो सही है, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि सेंटेंस का मतलब क्या है, दिस इज़ वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड, मतलब उसकी काफ़ी सारी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और ये उनमें से एक है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर टू है ये सही है आपका, दिस इज़ वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड। चलिए आगे देखते हैं, वन ऑफ हिज इंटीमेट फ्रेंड्स। अब देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, देखिए इसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है, जैसे पहले वाले सेंटेंस में दैट था या विच था, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो इसमें आपका जो रियल सब्जेक्ट होगा, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें समझनी है आपको कि वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन होगी वो प्लूरल में होगी हमेशा, और ये नाउन प्लूरल में ही है। फ्रेंड्स जो लिखा है वो प्लूरल में लिखा है, क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है कई सारों में से एक, पांच में से एक या सात में से एक। तो कई सारे का सेंस डालने के लिए इस नाउन को आपको प्लूरल बनाना होगा। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल में होगी, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो किससे रिलेटेड होती है, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वन से रिलेटेड है, ये वन से रिलेटेड है ये वर्ब।
तो इसलिए ये वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि वन कैसा है, वन जो है अपने आप में सिंगुलर है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको समझना है। और इसमें वन ऑफ हिज इंटीमेट फ्रेंड्स इज कमिंग टू द पार्टी, इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा। और यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। दिस टाइप ऑफ मशीन्स वॉश क्लोथ वॉश क्लोथ्स फास्टर। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ें और आराम से बताएं कि ये सेंटेंस नो एरर है या इसमें एरर की गुंजाइश है। क्या इसमें एरर होगी, इसमें कहाँ पर गलती हो सकती है? क्लोथ्स यहाँ पर सही है, टाइप यहाँ पर सही है। टाइप चूंकि सिंगुलर होता है तो इसलिए दिस भी सही है, मशीन्स भी सही है। तो इस सेंटेंस में गलती कहाँ पर है, और गलती अगर है तो कहाँ पर है, और गलती नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है, ये आपको समझना है। अब देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझेंगे कि इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो मशीन्स है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉश जो है वो प्लूरल वर्ब है, जो कि सही है, और सेंटेंस को कुछ स्टूडेंट नो एरर इसमें लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर रियल जो सब्जेक्ट है वो मशीन्स ना होकर टाइप है। दिस टाइप ऑफ मशीन्स, इस तरह की मशीनें, ठीक है, तो टाइप यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब होगी वो सिंगुलर सिंगुलर होगी। तो इसलिए यहाँ पर वॉश की जगह आपको क्या लिखना होगा, वॉशेस। तो इस वर्ब को आपको सिंगुलर में रखना होगा। देखिए कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सेंटेंस है लेकिन कितना कन्फ्यूजिंग ये सेंटेंस है। तो टाइप से रिलेटेड है ये वॉश, इसलिए इसको आपको सिंगुलर में करना होगा। मशीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट ना होके टाइप यहाँ पर सब्जेक्ट है, और इसलिए इसमें वॉश जो है वो गलत है, और आपका आंसर होगा यहां पर सेकंड। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है जो कि काफी कंफ्यूजिंग है और काफी परेशान करने वाला है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है, ईच जो होता है, ईच और एवरी जो होते हैं वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, इसलिए ईच के बाद जो नाउन आएगी वो सिंगुलर में आएगी। तो यहां पर ये नाउन सिंगुलर में है, यहां पर ईच के बाद ये नाउन सिंगुलर में है, तो यहां तक तो ये सेंटेंस सही है। अब चूंकि ईच सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, तो ये चीज़ भी यहाँ पर सही है, डूइंग यहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ पर देयर सही है या गलत है, और यदि गलत है तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आप हिज रखेंगे या हर रखेंगे या देयर रखेंगे, क्या रखेंगे? कितना कन्फ्यूजिंग है ये सेंटेंस। आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी पूछा जा सकता है कि देयर के स्थान पर यहाँ पर ये देयर को आप रिप्लेस करेंगे कि नहीं, और करेंगे तो क्या रखेंगे वहां पर, योर रखेंगे, हिज रखेंगे या हर रखेंगे? अब देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं कि ईच और एवरी ये सिंगुलर हैं, ठीक है, एवरी एंडलेस से जुड़े होने के बाद भी ये सिंगुलर हैं, क्योंकि ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक में देखिए एक लगा हुआ है, इसलिए ये सिंगुलर होता है। तो यहां पर आपको सिंगुलर प्रोनाउन लेना होगा, देयर नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको सिंगुलर प्रोनाउन लेना होगा। अब यदि आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना है तो आप इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हर लगाएंगे या ई या हिज लगाएंगे, क्योंकि बॉय के लिए हिज आएगा और गर्ल के लिए हर आएगा, और दोनों ही यहाँ पर दिए हैं, और दोनों में से एक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। देयर जो होता है वो प्लूरल होता है, तो देयर आएगा नहीं क्योंकि ईच लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे? अब देखिए, यहाँ पर यदि यदि दो ऐसे जेंडर दिए हैं जिसमें से एक आपका मैस्कुलिन जेंडर है, एक आपका मेल है और एक आपका फीमेल है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का रूल अप्लाई होता है। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, पास वाला नाउन या पास वाला प्रोनाउन, तो यहाँ पर देयर के स्थान पर वो प्रोनाउन आएगा जो कि सबसे पास में है इसके, तो सबसे पास में इसके क्या है, गर्ल है, तो गर्ल के लिए यहां पर आएगा आपका हर। यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हर, हर यहां पर सही आंसर होगा। और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जेंडर आपका स्पेसिफाई नहीं है, जैसे एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, तो एवरीबडी में तो मेल भी आ जाएगा और फीमेल भी आ जाएगा, तो इस तरह की सिचुएशन में हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही जेंडर स्पेसिफाई हैं, इसलिए पास वाला जो नाउन है गर्ल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रोनाउन को चूज करेंगे, और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा हर।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वॉट ही हैज बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग मेक हर अपसेट, मतलब कौन सी चीज उसको अपसेट करती है। यहां पर यदि आप थोड़ा सा हिंदी में आप इसका अनुवाद करें तो कौन सी चीज उसको अपसेट करती है, उसको वो चीज अपसेट करती है जो वो है सुबह से कर रहा है, वो चीज जो वह सुबह से कर रहा है, और वो चीज जो जो काम है जो कि वो सुबह से कर रहा है वो यहां पर इस फॉर्म में दिया हुआ है। ये एक क्लॉज है, इसको हम बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। वॉट ही हैज बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग मेक हर अपसेट, ये एक क्लॉज है, और एक सिंगल जो क्लॉज होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। दो क्लॉज यदि एंड से जुड़े हैं तो वो प्लूरल होंगे, दो क्लॉज यदि और से जुड़े हैं तो वो सिंगुलर होंगे, और एक क्लॉज जो कि अपने आप में एक क्लॉज है, एक सेंटेंस का एक पार्ट है, वो अपने आप में सिंगुलर होता है। तो ये यहाँ पर जो क्लॉज है ये सिंगुलर है, और चूंकि क्लॉज सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी यहाँ पर कैसी आएगी, सिंगुलर में आएगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा मेक्स, मेक की जगह आपको लिखना होगा मेक्स, और यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो होगा सेकंड। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट ही हैज स्टोलन एंड वेयर ही हैज केप्ट इट, उसने क्या चुराया है और उस चुराई हुई चीज को कहाँ पर रखा है, ये किसी को पता नहीं है, इज नॉट नोन टू एनीबडी। अब देखिए इसमें भी आपके दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज यहाँ आपका खत्म हो जाता है और एक क्लॉज यहाँ से आपका शुरू होता है, और दोनों क्लॉज किससे जुड़े हैं, एंड से। तो जब सिंगुलर एक क्लॉज और दूसरा क्लॉज सिंगुलर, तो सिंगुलर सिंगुलर मिल के बन जाएंगे आपका प्लूरल, क्योंकि ये एंड से जुड़े हैं, एंड में एडिशन होता है, और में एडिशन नहीं होता, एंड में एडिशन होता है, तो इसलिए ये दोनों क्लॉज मिलके कुल मिला के जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, और प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल में आएगी, और यहाँ पर आपका जो सही वर्ड होगा वो होगा आर। अब ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस में भी दो क्लॉजेस हैं, और दो क्लॉजेस किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं, बीच में इन क्लॉजेस के बीच में यहाँ पर और दिया है। शी शुड गेट मैरिड और शी शुड रिमेन सिंगल, आर हर ओन पर्सनल प्रॉब्लम, उसको शादी करनी चाहिए या उसको सिंगल रहना चाहिए ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर चूंकि दो क्लॉजेस और से जुड़े हैं इसलिए जो सब्जेक्ट होगा आपका वो सिंगुलर होगा, क्योंकि और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, एक बार में एक। तो चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकंड। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यू एंड नॉट योर ब्रदर हैज टू फिनिश योर वर्क, यहाँ पर रियल सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर जो रियल सब्जेक्ट है एंड नॉट से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, एंड नॉट से आने वाला जो जो प्रोनाउन होगा वो आपका इफेक्टिव और रियल सब्जेक्ट होगा। यू यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है, और यू के साथ हम हैज टू नहीं लगाएंगे, हम हैव टू लगाएंगे, क्योंकि यू के साथ जो वर्ब जाती है वो हैव जाती हैज़ नहीं जाती, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये गलत है, और सेकंड इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वन बैग इन एडिशन टू फाइव बुक्स वर गिविन टू अलेक्स, अलेक्स एक व्यक्ति का नाम है और उसको एक बैग के अलावा पांच बुक्स भी दी गई, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में इन एडिशन टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, और प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले आने वाला जो वर्ड होता है वो इफेक्टिव सब्जेक्ट होता है इस तरह के सेंटेंसेस में, चाहे वो इन एडिशन टू हो, चाहे वो एज वेल एज हो, चाहे वो अलोंग विद हो, इस तरह के सेंटेंसेस में इनके पहले आने वाला जो वर्ड होता है वो इफेक्टिव होता है। और वन बैग यहाँ पर कैसा है, सिंगुलर है, वन बैग यहाँ पर चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब कैसी होगी, वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वॉज, ठीक है, वॉज यहाँ पर आंसर आपका होगा, और थर्ड इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो क्लास में 10 सेंटेंस लिए हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश की है। यदि आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिलर्स के क्वेश्चन और आपका स्पॉट एरर के क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, और एसएससी आपको कॉन्सेप्ट को ही चेक करता है, ठीक है।
और यदि आप प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप सेलेक्ट होना चाहते हैं एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, आप चांस नहीं लेना चाहते, आप 100% सेलेक्ट होना चाहते हैं एसएससी एग्ज़ाम में और सेंट्रल गवर्नमेंट की आप जॉब लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने क्रिएट किया है एक ऑनलाइन टारगेट बैच। ये पेड बैच है और इसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पूरा आपको आपको बताते हैं। इसमें केवल इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है और इस कोर्स को लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। यहाँ से आप ले सकते हैं इस कोर्स को, एसएससी का टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 इसमें पूरा कवर होगा। और इस एक कोर्स को लेने के बाद आप एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सीजीएल का, सीएचएसएल का और एसएससी एमटीएस का सारा ही कोर्स इसमें इंक्लूड है इंग्लिश का। इस साइट पर आप जाएं, पहले आप साइन अप करें, उसके बाद लॉगिन करें ईमेल आईडी और पासवर्ड से, उसके बाद अपना कोर्स चूज करें एसएससी वाला, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करें और ऑनलाइन पेमेंट करते ही आपकी क्लासेस एक्टिवेट हो जाएंगी। उनको आप लैपटॉप पर या पीसी पर आप देख सकते हैं। एक ही क्लास को आप कितनी भी बार चला के देख सकते हैं, किसी भी टाइम पर आप देख सकते हैं एक ही क्लास को। तो ये एक बहुत अच्छी इसका प्लस पॉइंट है और बहुत ही इफ़ेक्टिव ये क्लासेस हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाते हैं और पूरा कोर्स इसमें आपका कवर होगा। डिस्क्रिप्टिव भी इसमें आपका कवर होगा, टीयर 2, टीयर 1 और डिस्क्रिप्टिव, इसमें तीनों आपका पार्ट कवर होगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसको आप ले सकते हैं www.bankerspoint.org इस वेबसाइट से। कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर कॉल करें और मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। और इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक भी करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, उनको भी इस चैनल के बारे में पता पड़े। और इस चैनल पर मैं सभी वीडियोज़ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग अपलोड करता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। और सभी एग्ज़ाम्स की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, तो पूरी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और डेफिनेटली आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, काफ़ी आपका फ़ायदा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।